गैर इरादी तौर पर निकले अल्फाज पर अफसोस है। खातून जज से पछतावे का इजहार करने पर शर्मिंदगी नहीं होगी। खातून जज को धमकाने पर तौहीन अदालत का केस, इमरान खान ने नया जवाब जमा करा दिया। मौकिफ इख्तियार किया कि खातून जज के जज्बात मजरूह हुए तो गहरा अफसोस है। अदालत माफ़ी और तहम्मुल के इस्लामी उसूलों को हमेशा तस्लीम करती है। अफ़ू दरगुजर और माफ़ी के इस्लामी उसूल इस केस पर भी लागू होंगे। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ रेफरेंस नैप को वापस भिजवा दिया। रेफरेंस नैप तरमीमी एक्ट की बुनियाद पर वापस भिजवाया गया। करार दिया कि नैप तरमीमी एक्ट के बाद रमजान शुगर एहतसाब अदालत के दायरे अख्तियार में नहीं आता। ममनुआ फंडिंग केस, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर पेशावर FIA के सामने पेश। FIA ने असद कैसर को 26 नकाती सवालनामा थमा दिया। तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलाब। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौकिफ इख्तियार किया कि 4 साल से पासपोर्ट अदालती तहवील में है। चौधरी शुगर मिल्स केस का रेफरेंस 4 साल बाद भी दायर ना हो सका। इतने अरसे बुनियादी हकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। अदालत रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में सैलाब से तबाह हाल सगु पुल का दौरा। हुकाम ने सैलाब की तबाहकारी और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि पिछली हुकूमत ने वसाइल बर्बाद किए, सियासत से बालातर होकर आवाम की खिदमत का आज़म कर रखा है।